ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार शहर सहित जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को बकरीद भी कहा जाता है। शहर सहित जिले में समाजजनों ने घरों में ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। शादी ईदगाह मस्जिद राधागंज में सीनियर शहर काजी मौलाना इरफान अहमद अशरफ ने ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घरों में समाजजनों ने ईद की नमाज अदा करी। शहर के सभी मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 5-5 लोगों ने ईद की नमाज अदा की। मस्जिदों के बाहर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने की बात को लेकर पुलिस ने भी सभी को समझाइश देकर रवाना किया। SDM प्रदीप सोनी, CSP विवेक सिंह चौहान, कोतवाली TI उमराव सिंह ने शहर काजी इरफान अहमद अशरफी को ईद के पर्व की बधाई दी। बच्चों ने भी अपने अपने घरों में उत्साह के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। मुस्लिम समाजों ने अपने घरों में ही ईद की नमाज अदा की। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को मोबाइल पर ईद की मुबारकबाद दी। त्यौहार ईद कुर्बान का त्यौहार है, इसे ईद उल अज़हा कहा जाता है और इसमें सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो तस्लीम और सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहि सलाम की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल की गई। उसके शुक्राने में हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद कुर्बान की नमाज के लिए हमें हुक्म फरमाया। क्या अब जिस तरह से अभी जो आप देखा गया सीमित लोगों ने ही नमाज़ पढ़ी है, एक वक्त में खचाखच भरा रहती थी ईदगाह, अब चूँकि 2 साल से कोरोना चल रहा है। हाँ, अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएँ करते हैं, दुआएँ करते हैं कि ये जो वबा चल रही है, परेशानियाँ हैं, अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमाए। इसकी वजह से जो हुक्म था गवर्नमेंट की तरफ से, आदेश थे, उसका पालन करते हुए अल्लाह के हुजूर सजदा रजदी की और दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला आने वाली ईद से पहले पहले सारी बीमारियों को ख़त्म फरमा दे, शुक्रिया, और हमेशा के लिए हिंदुस्तान में गरीब नवाज के मुल्क में सुकून और सलामती अता फरमा। ठीक, आज हमारा मुस्लिम समाज का आज बहुत बड़ा त्यौहार है ईद उल अज़हा का, क्योंकि मोहब्बत और खुशी का पैगाम देता है, जिसके ऊपर कुर्बानी दी जाती है और नमाज का प्रोग्राम अभी अल्लाह का शुक्र है प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से सभी लोगों के अंदर नमाज का मामला निमट चुका है। मैं सभी लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि कहीं भी बीमारी का ख्याल रखते हुए कहीं भी भीड़ ना लगाएं, गले ना मिलते हुए अपने अपने घरों के अंदर खुशी के साथ, सादगी के साथ ईद मनाएं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटें और मिलजुल कर रखें। देवा से कैमरा में अभिषेक सोनी के साथ राजेश पाल की रिपोर्ट।